दिल का कहा हम मान गए, तुम मानो न मानो। होना है क्या हम जान गए, तुम जानो न जानो। ओ दिल का कहा हम मान गए, तुम मानो न मानो। होना है क्या हम जान गए, तुम जानो न जानो। रातों को सपने आएंगे, सपनों में हम खो जाएंगे। हम दीवाने कहलाएंगे, जाएंगे जहां। प्यार हुआ तुझे, ये मान ही जा तू, नजरे तो मिला तू, मेरे पास तो आ तू, मेरे दिल में समा तू, ये मान ही जा, नजरे तो मिला, मेरे पास तो आ, मेरे दिल में समा। बार बार हिदायत भेजी है कि होटल का खाना खाकर अपनी सेहत खराब मत करना, नौकरी न मिलने से परेशान मत होना, भगवान देर सवेर सबकी सुनता है, तुमको भी जल्दी ही कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी। मैंने भगवान से तुम्हारे लिए बहुत सारी मन्नतें मांग रखी हैं, मेरी पूजा व्यर्थ नहीं जाएगी। अगर हो सके तो कुछ दिनों के लिए घर आ जाओ। तुम्हारी बहन इंदु। माँ, क्या है? और कुछ लिखवाना है कि बस? लिखवा कर क्या फायदा, राजा बड़ा जिद्दी है, जब तक उसे नौकरी नहीं मिलेगी वो घर नहीं आएगा। ऐसे खुददार भाई पर मुझे नाज है माँ। आज काम पर नहीं जाना है क्या? बाप रे, मैं तो भूल ही गई थी माँ। माँ, चिट्ठी रास्ते में छोड़ दूंगी। अच्छा, अरे खाना तो लेती जा। पर्स महंगा लगता है, कब लिया? वो ऑफिस की सहेली ने गिफ्ट दिया है माँ, मैं चली। अरे धीरे धीरे, कहीं फिसल मत जाना। तुम उस लड़की से प्यार करते हो और मैं हां कह दूं तो तुम उससे शादी करने के लिए भी तैयार हो? हां मम्मी। और
अगर मैं ना कह दूं तो उसे भूल जाओगे? मम्मी बोल दो, नहीं डरते क्यों हो? तुम चाहते हो ये दुर्गेश्वरी देवी जो मर्सिडीज में चलती है अपनी हैसियत, अपनी शानो शौकत, अपना रुतबा सब भूलकर एक गरीब लड़की की झोंपड़ी में जाकर उसकी माँ से उसका हाथ अपने बेटे के लिए मांगे? हाँ मम्मी। गुड शक्ति। हाँ मैडम। मेरे जाने का इंतजाम करो। आइए मैडम, आइए आइए बैठिए। ये मेरा सौभाग्य है कि आपने हमारे यहाँ पधारने का कष्ट किया। हाँ ये तुम्हारा सौभाग्य भी है और हमारा कष्ट भी, लेकिन तुम हमारे यहाँ पधारने का कष्ट मत करना, क्योंकि वो तुम्हारा कष्ट होगा और हमारा दुर्भाग्य। जी मैं समझी नहीं। मैं तुम्हारे गंदे हाथों से इस गंदे ग्लास का गंदा पानी पीने नहीं आई हूँ। मेरी बेटी से कोई गलती होगी? तुम्हारी बेटी मेरी फैक्ट्री के 1500 मजदूरों में से एक मजदूर है, और उसकी गलती ये है कि 500 रुपये महीना कमा लेती है, मगर फैक्ट्री के मालिक मेरे बेटे से शादी रचाने का सपना देखती है। ये तो ना समझ है, सपने देख सकती है, लेकिन तुम तो इसकी माँ हो, तुम्हें तो इसे समझाना चाहिए था कि नहीं? क्या समझाना चाहिए था? क्या सपने देखना जुर्म है? तुम्हारे सारे घर का खर्चा जो एक महीने का है उससे ज्यादा एक दिन में मेरा कुत्ता बिस्किट खा जाता है। तुम्हारी बेटी जो एक महीने में कमाती है उतना ही मेरी बेटी एक दिन में ब्यूटी पार्लर में खर्च कर देती है। तुम्हारी बेटी की क्या जरूरत जो ऐसा सपना देखे? आप अमीर लोग हैं, कुत्ते को भी बिस्किट खिला सकते हैं, लेकिन एक चीज है जो अमीर और गरीब दोनों के पास बराबर होती है, वो है शराफत। अपने घर में आपका स्वागत करके हमने तो शराफत का सबूत दे दिया, लेकिन मेरे घर में आकर मेरी ही इज्जत उछाल कर आपने अपनी शराफत का जो सबूत दिया है वो आपको शोभा नहीं देता। जो अपनी बेटी का सौदा कर रही हो उसकी क्या इज्जत? आप शराफत की हद से बाहर जा रही है दुर्गेश्वरी। दुर्गेश्वरी देवी, ये मेरी शराफत है जो मैं तुम्हारे घर आई हूँ, वरना मैं चाहती तो थोड़े से पैसे खर्च करके कुछ भी करवा सकती थी, तुम्हें शहर से बाहर निकलवा सकती थी, लेकिन ये मेरा उसूल है, जो काम शराफत से हो जाए उसके लिए ताकत जाया नहीं करनी चाहिए। तो आप क्या चाहती हैं? मैं तुम्हें खरीदना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ तुम अपनी बेटी के नकली प्यार की कीमत ले लो और उसे कह दो कि मेरे बेटे का पीछा छोड़ दे, जरूरी हो तो उसकी शादी और कहीं कर दो, खर्चा मैं दे दूंगी। आइए इंस्पेक्टर आइए, यही है उस चोर का घर। चोर? चोर? तलाशी के लिए बोलना। चलो तलाशी लो। कैसे तलाशी? चोरी की। किसने की चोरी? किसने की चोरी? आपकी बेटी के खिलाफ शिकायत है कि उसने दुर्गेश्वरी देवी के ऑफिस से 50,000 रुपए की चोरी की है। दुर्गेश्वरी देवी का चप्पू चला दिया? माँ मुझे रुपयों के बारे में कुछ नहीं मालूम, ये दुर्गेश्वरी देवी की साजिश है। हम गरीब जरूर है मगर चोर नहीं, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। साहब ये रुपए सूटकेस में मिले, ये क्या है? ये झूठ है माँ। मैं जानती हूँ बेटी, खरीद नहीं सकी तो धमकी दे रही है। आपको जो कुछ बोलना है थाने में चल के बोलिए। ले चलो इसको। चलो अरे ये सामान तू कहीं जा रहा है क्या? पलटू माँ का तार आया है, जल्दी बुलाया। दस्तखत कीजिए। हॉलर जी उस लड़की को रिहा कर दो। जी सर। भैया दुर्गेश्वरी, दुर्गेश्वरी दुर्गेश्वरी। मेयर, कलेक्टर, मिनिस्टर तक मुझसे बिना अपॉइंटमेंट के नहीं मिल सकते। बिना इजाजत के मेरे घर में घुसकर मेरा नाम लेकर मुझे बुलाने की हिम्मत करने वाला कौन है रे तू?
मुझे अरे बोलने के बाद भी तुम जिंदा हो, वो सिर्फ इसलिए कि तुम औरत हो। अगर मर्द होती तो तुम्हारी जबान गुद्दे से खींच लेता। तू है कौन? मैं तेरा यमराज हूं, जिस बहन की आंखों में आंसू देखने से पहले मैं सारी दुनिया को आग लगा सकता हूं। तूने उस पर झूठा इल्जाम लगाकर जेल भिजवाया, तेरी वजह से वो किसी को अपना मुंह नहीं दिखा सकती। ओहो, तो तू उस चोर लड़की का भाई है। शट अप। क्यों? तेरा बेटा मेरी बहन से प्यार करता है, उसे कहते चुपचाप वो शादी कर ले। मेरा बेटा और तुम्हारी बहन से प्यार करे? गंगा के पानी को जानबूझकर गंदी नाली में बहते तो नहीं सुना है। ओ धीरज, क्या तू इसकी बहन से प्यार करता है? डरता क्यों है, बोल। नहीं मम्मी, मैंने तो इसकी बहन को कभी देखा भी नहीं। कमीने, अपनी मां के खौफ से तू मेरी भोली भाली बहन की जिंदगी बर्बाद कर देना चाहता है। अगर मुझे तेरी हड्डी पसली तोड़ कर भी तेरी शादी अपनी बहन से करनी पड़ी तो भी मैं करूंगा, देखता हूं कौन मुझे रोकता। खराबा करना नहीं चाहता, मैं तो यहां इसलिए आया था कि आप औरत हैं। मुझे उम्मीद थी कि आप में इतनी शराफत तो होगी कि आप एक औरत होकर दूसरी औरत का दर्द समझती, मगर आप ना औरत हैं ना आपका यह सबूत मर्द। मैं अपनी बहन की शादी उससे करूंगा जो मर्द हो, जिसमें हिम्मत हो, जिसके पास दिल हो, चाहे वो गरीब हो मगर अपनी मां के आंचल से बंधा होना हो। अब आप मेरे पैरों पर गिरकर भी मेरी बहन का हाथ मांगेंगी ना, तब भी मैं नहीं दूंगा। धीरज, निकल बाहर करो इन नमक हरामों को। ये तुमने क्या किया बेटा, उन लोगों से हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ दिया? हाँ मां, उस घर में तानाशाही रहती है, जज्बात नहीं। इंसानियत नौकर है और पैसे का गुरूर मालिक। वहां कुत्तों से इंसानों जैसा सलूक किया जाता है और इंसानों से कुत्तों जैसा। मैं अपनी बहन की शादी उस घर में हरगिज़ नहीं होने दूंगा। तू चिंता मत कर मां, मैं इंदु के लिए दुनिया का सबसे अच्छा दूल्हा ढूंढ कर लाऊंगा। अब उस बात के लिए बहुत देर हो गई है बेटा। क्या मतलब? अब इंदु की शादी उसी लड़के से करनी पड़ेगी। मगर क्यों? इंदु से एक भूल हो गई है।